हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं मुगलई पनीर पराठा। एक्चुअली इस लॉकडाउन में मैंने ये एक नया रेसिपी ट्राई किया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल ये मेरा पर्सनल फेवरेट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग मुगलई पनीर पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे मुगलई पराठा बनाने के लिए हमें ये सारे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आपके घर ही में होंगे, आपको ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। तो चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप आटा, उसमें ऐड किया है 1 कप मैदा। ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया सॉल्ट, और ये हो गया हमारा थोड़ा सा ऑयल। तो इसे हमें हल्का सा खास्ता करना है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपने डो को बना लेंगे। देखिए, हमारा डो बन गया है, तो इसे हम लोग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट, चलिए हम लोग अभी अपना स्टफिंग बनाएंगे। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे अनियंस, और ये हो गया हमारा चिल्ली। तो इसे हल्का फ्राई करना है हमें। तो ये हमारा हल्का फ्राई होने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी हल्का फ्राई करना है। ये होने के बाद हमने ऐड कर रहे हैं अभी ये कैप्सिम हो गया, और ये हो गया हमारा कैरेट। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम में ही कुक करते रहना है। देखिए, ये जब हमारा हाफ कुक हो जाएगा, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा सारा ड्राई मसाला। तो ये हो गया हमारा गरम मसाला, ये हो गया चिल्ली पाउडर, ये हो गया हमारा आमचूर पाउडर, देन कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और ये हो गया हमारा सॉल्ट। तो इसे हम लोग मीडियम फ्लेम में 3 to 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो देखिए, हमारा हो गया है कुक। तो इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे अपना सारा पनीर को। तो पनीर को भी देखिए, हमारा मीडियम फ्लेम में ही 5 to 7 मिनट्स तक कुक करना है हमें। बीच बीच में से चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से ना चिपके। तो देखिए, ये हमारा ऑल कुक हो गया है। तो देखिए, हमारा पनीर भी हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है, मतलब हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। तो इसे हम लोग अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, ठंडा होने के बाद हम लोग अपना ये बेलना शुरू करेंगे। तो मैंने ये लोई लिया एक। तो देखिए, इसे ना आप जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिएगा। पतला करने से क्या होगा, अपना ऊपर का जो लेयर होगा वो क्रिस्पी होगा, और मोटा हो जाने से वो अच्छा नहीं लगता, मैदा मैदा वाला टेस्ट आता है। इसलिए इतना पॉसिबल हो सके आप इसे पतला बेलिएगा। तो इसमें अभी हम लोग ऐड डालेंगे अपना ढेर सारा स्टफिंग। तो देखिए, इसे मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, मैं हल्का हल्का से इसे बेल रही हूँ। आप ना बेलने से भी चलेगा, आप बस हल्का सा हाथ से इसे प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा। तो ये हमारा तवा गर्म हो गया है, तो इसे हम लोग सेक लेंगे। तो ये हमारा सेकने का थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 7 मिनट्स से लगेगा। तो इसे पलटा पलटा के बस इसे सेकते रहिएगा। तो नॉर्मली हम लोग बाहर जो पराठा खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो घर में आप बनाने से क्या हो, कंपेरेटिवली कम ऑयल यूज़ कीजिएगा, तो बेटर है कि आप इसे घर में ट्राई कीजिए। तो देखिए, बनते बनते सा कितना अच्छा सा कलर भी आ जा रहा है। ऐसे ही बीच बीच में से पलटते रहना है। तो देखिए, ये हमारा हो गया तैयार। चलिए, मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए, हम जो काट रहे हैं उसी से पता चल रहा होगा कि ऊपर का लेयर कितना क्रिस्पी बना है। देखिए, अंदर का भी स्टफिंग भी कितना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में भी उतना ही अच्छा है और टेस्टी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए घर में, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।